भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो स्कूल में सबसे लेट आता है ना, ये वो है दोस्तों, ये देखो ये। और अभी रुद्रांश ना स्कूल जा रहा है ना, बाल नहीं बना रखे ना अभी, और जूते भी नहीं पहन रखे। और देवांशी भी ना अपने जूते ले आए, बोल रही मुझे भी पहनो, मैं भी जाऊंगी। कहाँ जा रही है? किसके साथ जा रही है? आदि के साथ, रुद्र के साथ। चावल बन चुके हैं और ये है कड़ी। तो दोस्तों मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अब मैं ना कैप्टन को नहला रही हूँ। कैप्टन को मैंने परसों नहलाया था, उसके बाद कल नहीं नहलाया, तो आज नहला रही हूँ क्योंकि उसके ना थोड़ा बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसको नहला देती हूँ। तो आ जाओ कैप्टन, ये देखो आ भी गया। कम, चलो नहाते हैं ना, नहाएगा? चल चलो नहाएगा ना, तो खाना इसने खा लिया है, अभी नहाएगा। चल चल बेटा आ जा, चलो गो। ये देखो, तो दोस्तों कैप्टन ने भी नहा लिया है और अब वो ना डांस कर रहा है, बल बहुत मज़ा आ गया नहा के। नो 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 कैप्टन, बस इसको ऐसे खेलने के लिए चाहिए बस, है ना, खेलते रहो इसके साथ। दोस्तों मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, आज ना अकेले कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन तो जा चुकी है गाँव। ये देखो पराठों का बाप, और ये इस बाप का बेटा छोटा पराठा। तो मेरे साथ ना कुछ दादी और दीदी लोग भी हैं। देखो पराठा खा लिया, कैसा था? खा लिया। ऐसे बोलो ऐसे, हाँ मस्त। तन मोमोज खाओगे? मोमोज खाओगे? नहीं। क्यों नहीं? गोलगप्पे? अरे पराठे का आज गोलगप्पे लादो। लादो गोलगप्पे का नाम सुनते दादी बोल रही लादो लादो लादो। दादी बोल रही कि उनको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, मतलब दादी चटोरी है बहुत, है ना। ये देखो ऐसा लग रहा है कि लार्ज पिज्जा एक स्मॉल पिज्जा है। अंकल जी और उनकी मम्मी दोनों की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बीमार मत हो ना, हॉस्पिटल में मत आना। ना बीमार तो अपनी शौक बुझ से नहीं आ रहे ना, पर क्या करें। दोनों के सर पे हाथ रखो, ठीक है ना। दोस्तों आज ना मैं आपको दिखाऊंगा मच्छी पालन, मुर्गी पालन और भी मस्त मस्त चीजें। तो अभी ना मैं विवेक के ढाबे में हूँ। देखो ये विवेक के पापा हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। ये विवेक की छोटी बहन है और ये है विवेक। और ये ना विवेक का बचपन से ही है ना, ये बहुत लकी होता है, इसे बोलते हैं लाखन। क्या हंस क्यों रहे हो? कॉमेडी करी मैंने। क्या क्या नाम रखे इनके आपने? दोस्तों इनका नाम मुर्गी और मुर्गा है। और मैं थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ, ये देखो मुर्गी पालन यहाँ पर हो रखा है। ए कालू कैसा है? वो कह रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ए भूरी, ये दोस्तों भूरा है क्योंकि इसके टोपे पे ना लाल लाल है ना। ये सारे लड़के हैं जिनका आप देख रहे हो टोपी, और ये लड़के कौन सी है, सबके लिए टोपियाँ हैं। जो स्कूल में सबसे लेट आता है ना, ये वो है दोस्तों, ये देखो ये। ये देखो सभी क्लास में जाओ, चलो सभी क्लास में जाओ, चलो चलो मैडम आप भी। दोस्तों ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, देखो ये छेड़खानी कर रहे हैं, चलो चलो क्लास में चलो। लाइन मारता है, ये देखो ये बिगड़ा हुआ है, ये वही है जो दसवीं में 3 बार फेल होता है। दोस्तों अभी मैं जिनके घर पे हूँ ना विवेक के, ये उसके पापा हैं, तो ये लोग मुर्गी पालन भी करते हैं। अब मुर्गी पालन क्यों करते हैं ये मत पूछना, है ना। विवेक मुझे बोल रहा था कि भैया आप तो मुझे बाद में भूल जाओगे,
मैंने कहा बाबू मैं नहीं भूलूंगा, तुम भूलोगे। अब ये 10वीं में 12वीं में जाकर के इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएंगे, फिर ये मुझे भूल जाएगा। अगर गिरेगा ना मेरा कैमरा जाएगा। जाएगा तो तुम मत बोलो ना। तुमने आज का ब्लॉग देख लिया? नहीं तो मैं वॉइस ओवर करूंगा। कन खांड लगी। दोस्तों आजकल ना विवेक मेरा गाइड बन रखा है, ये मुझे घुमा रहा है, अपना गांव दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब विवेक को ना मैं हंसा रहा हूँ, देखो गज 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 गज। अरे ओ गोरैया क्या कर रही हो, घास फूस खाया हुँ? मेरे बाबू इधर मछलियाँ पाली जाती हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना बहुत ही प्यारा बगीचा है, इसमें मतलब अलग अलग प्रकार के फल है, जैसे कि नारंगी हो गया, कीनू हो गया, और नींबू भी है ना भैया? हाँ काजू नींबू भी है। दिखाओ कहाँ है। बगीचे के चारों तरफ ना भैया ने मोर पंख लगा रखे हैं, इस पौधे का नाम मोर पंख है, और मुझे ना नींबू देखने हैं। यार नींबू बहुत ही बढ़िया नींबू बहुत सारे हो रखे हैं। मेरा घर होता तो ले जाता, अभी हॉस्पिटल में क्या करूँगा। दोस्तों ये माल्टा है, माल का पेड़ है ये मौसमी। भैया जी की वाइफ भी आ गई है, मतलब हमारी भाभी जी। तो भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों ये है मौसमी, मस्त हो रखी है यार। आपने गुड़हल के फूल का नाम तो सुना होगा ना, आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है गुड़हल का फूल, देखो ये छिपकली की पूंछ है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों जो मसाले नहीं बनते, जैसे तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, तो ये उसी का पौधा है। देखो दालचीनी, तेज पत्ता, क्या खुशबू है यार, मस्त। दोस्तों ये ना स्विमिंग पूल नहीं है, ये है मच्छी तालाब। इसमें ना छोटी छोटी मच्छियां होती हैं, तो बुलाए उनको, देखते हैं अगर मूड होगा तो दिख जाएंगे, वरना भैया पानी के अंदर ही रहेंगे। कुछ और तरीका करना पड़ेगा। जो इधर के गांव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, इधर ना सिटी भी पास ही है। अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ मंगाते हो तो वो भी आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर ये है कि घूमने फिरने का अच्छा है, मार्केट पास में ही है, तो अच्छा लगता है ऐसे डेवलपमेंट देख करके। आई होप कि पूरे गाँव में, सभी गाँव में ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। दोस्तों तन्वी को ना रुद्रांश देवांशी बहुत पसंद है। थैंक यू तन्वी। देवांशी और रुद्रांश बहुत क्यूट बच्चे हैं, बहुत हम डेली आपका ब्लॉग देखते हैं, और कब से सोच रहे थे, बच्चे बोल रहे थे मम्मी हॉस्पिटल जाना अभी देखने के लिए। हाँ। चलो आप ही आ गए। आपकी बेबी गर्ल भी बहुत ज्यादा प्यारी है। ये देखो इसको ना लेट हो रही होती है। बाय बाय, लव यू बेटा। दोस्तों देखो रेनबो मस्त है ना, तुम लोग फिर से बाहर आ गए, चलो स्कूल के अंदर, चलो 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 चलो। स्माइल। अब मैं ढाबे में आ चुका हूँ चाय पीने के लिए, और चाय ना बड़ी कड़क है। चाय के साथ ना ये बंद बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। 11 भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों ये हमारी YouTube फैमिली के प्यारे प्यारे बच्चे जो हमसे मिलने के लिए आ रखे हैं, और आजकल ना आर्मी और फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो पसीना बहा रहे हैं, तो जरूर आपको फल मिलेगा बढ़िया सा। तो जरा मुझे दिखाओ कैसे दौड़ते हैं। दोस्तों पसीना देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये कौन सा पक्षी है? मतलब आप लोग कैसे दौड़ते हो, मतलब कैसे तैयारी करते हो, कुछ क्या तरीका होता है बताओ। हम तेज दौड़ते हैं। तेज दिखाओ, दौड़ के दिखाओ ना। ये देखो बहुत बढ़िया, दौड़ा जाता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और क्या क्या करते हो? पुशअप हो गया, पुशअप, चिनअप। चिनअप चिनअप कैसे करते हो? अच्छा बीम केस ऐसे मारते हैं। ये देखो अभी पुशअप करके दिखा रहे हैं बच्चे।
मेरे लिए तो तीनों विनर है, तीनों जीत गए। अच्छा अतुल, ऋषभ, राहुल, 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 ऋषभ, आदित्य, और राहुल, आयुष, आयुष। यार जो भी है लेकिन अच्छा लगा। अच्छा एक बोलेगा भारत माता क्या, भारत माता की कौन बोले? मैं बोलता हूँ, ठीक है ना? ये भाई बहुत एनर्जेटिक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बच्चों से मिल करके। ये भाई अभी भी आए, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ कल से बारिश हो रही है लगातार, अभी मैं डिनर करने के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बन रखा है। आज 8:30 हो चुके हैं, चलो। मुझे खाना दिखाना सबसे बेस्ट लगता है, तो जिंदगी इस खाना लो, दाल भी डाल हाँ दोस्तों। अभी मैं डिनर ना अपने पड़ोसियों के साथ कर रहा हूँ, जो जहाँ पर मेरे पापा है ना वहीं पर इन दोनों के भाई भी हैं, पर एक ही भाई है। ये दो है, इनका एक भाई है। ये तो आज क्या है हमारे पास, ये कढ़ाई पनीर है। वो नेहा बहुत शर्मा रही है और पापा को मिलने आ रखी है, हमसे मिलने आ रखी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और 9th में पढ़ती है नेहा, देखो कितना शर्मा रही है। दोस्तों पापा की तबीयत में ना पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क है। आज भी हमारी YouTube फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हमें मिलने के लिए आए थे, पापा को मिलने के लिए आए थे। पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, सबसे हंसी मजाक कर रहे थे, खुश होकर के बातें कर रहे थे, क्योंकि तबीयत ना चंगी है, बढ़िया है। आप सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं हमारे साथ है, हम इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ साथ बने रहना, हम आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आप लोग भी अपना ख्याल रखना।